हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नया वाला चैनल है यहां पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करना स्टार्ट करी है। मेरी जो प्रीवियस शॉर्ट ट्रिक्स की प्ले लिस्ट है वो आप आईटी पर जाकर देख लीजिए। मैंने वन वन ऑन टूर बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई है स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक ऑन लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फिमम। ये बहुत ही कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में क्रिएट करता है, खास करके सिक्वेंस में जब लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम निकालते हैं तो कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट जो है वही है, बस उसको समझने की जरूरत है कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ट्रिक ये होती है कि लेट एन बी द सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई भी सिक्वेंस दे रखी है रियल नंबर की तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे उस सिक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालते हैं सबसे पहले, है ना। क्या निकालते हैं स्टूडेंट, सिक्वेंस का लिमिट पॉइंट निकालते हैं। स्टूडेंट मेरे जो सिक्वेंस के वीडियोस हैं वो आईटी पे जाके देख लीजिए, मैंने अपने पुराने वाले चैनल पे सीक्वेंस बहुत अच्छा समझा रखा है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सीक्वेंस वाला टॉपिक है इसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि लिमिट इन्फिमम और लिमिट सुप्रीमम क्या है, है ना, लिमिट सुपीरियर है लिमिट इन्फीरियर, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेटली जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी सीक्वेंस दे रखी है उसका लिमिट पॉइंट निकालिए, और उसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उस सेट का जो सुप्रीमम होता है वो लिमिट सुप्रीमम होता है, और उसका जो इन्फिमम होता है वो लिमिट इन्फीरियर होता है। अब एग्जांपल देता हूं उससे आपको समझ में आएगा, राइट। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लियर है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दे रखी है, इसमें इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, है ना। तो हम जानते हैं इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट होता है उसमें सिर्फ एक ही लिमिट आएगा, दैट इज जीरो, है ना, क्योंकि एन टेंस टू इन्फाइनेट पे जीरो हो जाएगा तो इसका एक ही पॉइंट आएगा। तो इस वाले केस में इसका जो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीरियर, मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर एक ही होगा और वो होगा जीरो, है ना, मतलब दोनों ही हमारे पास एक ही होंगे, उसका सुपीरियर इन्फीरियर एक ही है ना। अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आते हैं, है ना, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसमें जो छोटा होगा वो लिमिट इन्फीरियर होगा और जो बड़ा होगा वो क्या होगा, लिमिट सुपीरियर होगा, राइट। एक और एग्जांपल देता हूं उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दे रखा, राइट, है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, एन जब इवन लें, मान लीजिए हम यहाँ पे एन इवन लें, तो जब एन इवन लेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, सुन यहाँ पे मैं एन इवन ले लूँ तो ये आएगा हमारे पास वन प्लस माइनस वन पावर 2n अपॉन 2n और ये आएगा हमारे पास 2n, तो इसमें हम जानते हैं 1 हो जाएगा तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाय 2n पावर 2n, और हम जानते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, e हो जाती है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाता है, e हो जाता है। अगर हम n ओड लें तो जब ओड लेंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस मैं 2n प्लस 1 ले लूँ तो ये आएगा माइनस और ये आएगा 2n प्लस 1 और ये पावर हो जाएगी 2n प्लस 1, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 बाय e होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो इसमें इसका जो लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा, मतलब ए सेट होगा, उसमें ई भी आएगा और वन बाय ई भी आएगा। अब आपको पता करना है कि लिमिट सुपीरियर, तो इसमें लिमिट सुपीरियर जो होगा वो इस सेट का सुप्रीमम होगा, तो इस सेट का जो सुप्रीमम है वो ई है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो ई के बराबर होगी, राइट। और जो लिमिट इन्फीरियर है वो इसका मिनिमा होता है ना, तो वो वन बाय ई आ रहा है तो ये हमारे पास क्या होगा, इसमें वन बाय ई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए ई एंड वन बाय ई होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ नेक्स्ट वाला, उसको आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखा एन इज इक्वल टू माइनस वन पावर एन, तो यहाँ पे इसका जो देखो अल्टीमेटली सिक्वेंस में क्या होता है, वन आता है माइनस वन आता है फिर वन आता है फिर माइनस वन आता है, ऐसे पॉइंट आएंगे। तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा सिक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट आएगा, इसमें लिमिट पॉइंट के लिए मैं बता चुका हूँ कि आईटी पे जाके मेरा वीडियो देख लीजिए आप, आईटी पे जाके लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर और लिमिट पॉइंट ऑफ सिक्वेंस ये सब मैं बता चुका हूँ तो आप देख सकते हैं। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ जो लिमिट पॉइंट आएगा वो माइनस वन एंड वन आएगा। अब आप उसका लिमिट सुपीरियर पता करने, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो वन है तो वो इसका क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और लिमिट इन्फीरियर मतलब इसका जो मिनिमा है वो हो जाएगा तो वो माइनस वन है ना। तो इसमें यहाँ पे वन एंड माइनस वन क्या हो जाएगा, इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा, राइट। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा आपको यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। तो अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे एन ऑड और एन इवन दे रखा है, तो हम इसका लिमिट पॉइंट का सेट लेंगे। तो लिमिट पॉइंट का सेट कैसे निकालते हैं, इसमें यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, और यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिट रखेंगे तो वन आएगा, तो ये दो इसके लिमिट पॉइंट आएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज लिमिट सुपीरियर, तो लिमिट सुपीरियर इन दोनों में से जो बड़ा है मतलब सुप्रीमम है वो है, तो वन इसका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा, और लिमिट इन्फीरियर पूछ रहा है तो माइनस वन इसका क्या हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें वन एंड माइनस वन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा राइट, अब आपसे बोल रहा है कि 1 माइनस 1 बाय एन एंड 1 प्लस 1 बाय एन। अब एन टेंस टू इनफाइनिट रखेंगे तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें 1 आएगा और यहां पर एन टेंस टू इनफाइनिट पर 1 ही आएगा, तो इसमें 1 ही हमारे पास आ रहा है यहां पर, तो इसका जो लिमिट इन्फीरियर होगा वो भी 1 ही आएगा और लिमिट सुपीरियर होगा वो भी 1 ही आएगा, मतलब हमारे पास सिर्फ 1 और 1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर सेम आता है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और जब बराबर नहीं आता है तो सीक्वेंस क्या करती है, ऑसिलेट करती है। क्लियर है, तो ये याद रखने की जरूरत है ना। तो स्टूडेंट यही मैं आपको समझाना चाह रहा था ट्रिक के थ्रू, और स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर कैसे निकालते हैं, है ना। अब मैं आपको आगे और भी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से पता कर सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक के सभी वीडियोस हैं जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूं, और ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसआईआर नेट और गेट वो आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल है, स्विनी मेरा नया चैनल है जिसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, और स्विनी मेरा पुराना चैनल जहाँ पर हायर मैथ्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रियल आंसर्स की जो प्लेलिस्ट है वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और ऐसे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, सो देट कि मैं ऐसा काम कंटिन्यू करूँ। धन्यवाद, बाय।